हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हो आप सब गाइस? आज की वीडियो में मैं आपसे निविया की मिल्क डिलाइट फेस वॉश का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। इसमें जो मेरा कॉम्बिनेशन स्किन के लिए मैंने लिया था, मेरा टी जोन थोड़ा सा ऑयली होता है हमेशा, मैंने इसीलिए बेसन वाला फेस वॉश खरीदा है ताकि ये मेरे ऑयल सेबम प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करे एंड मेरे स्किन को क्लीन रखे, ठीक है। एंड बाय द वे, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, हाई, आई एम मिस पूजा, यू आर वॉचिंग पूजा स्टाइल चैनल। अगर आप इस चैनल पर न्यू है एंड मैं आपको कहीं से भी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हूँ, मेरे कॉन्टेंट आपको अच्छे लगते हैं मेकअप के रिगार्डिंग, स्किन केयर के रिगार्डिंग, तो प्लीज डू अ गुड सब्सक्राइब। एंड आज की फेस वॉश मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी दुर्गा पूजा आने वाला है। यू कैन सी मैंने अभी पूरा गेटअप भी ले रखा है। अगर आपको इस वाले मेकअप ट्यूटोरियल का वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वहां पर वीडियो डाल दी है आपके लिए, आप वहां से वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। एंड बाय द वे, ये ज्वेलरी मीशो की है, मैं आपको कोड डाल दूंगी। मीशो पर लिंक नहीं चलता है, मीशो पर आप कोड से शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक पीस है, सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, यहाँ पर गणेश जी बने हुए हैं, 3 यहाँ पर आपको लटकन मिल जाएगी झुमकी टाइप, एंड इवन पायल में जिस तरह से लगी होती है लड़ियां, ये उस तरह की है, ये यहाँ तक आपके चेस्ट तक आएगी। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक नेक पीस भी है, ये देखो, ये आप सिल्वर ऑक्सीडाइज टेम्पल झुमका बोलती हूँ मैं इसको। यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग भी मिल जाएगी जिसमें छोटे छोटे पोल्स का भी काम है, बहुत अमेजिंग लगता है, मतलब आप कोई भी साड़ी पहन रहे हो उस पर बहुत खूबसूरत लगेगा ये। गाइस, इस वीडियो का तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, मेकअप कैसा लग रहा है वो जरूर बता देना। मैंने दुर्गा पूजा के लिए सीरीज तैयार की है, एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है रिगार्डिंग टॉप वीडियोस, रिगार्डिंग सारी मेकअप ट्यूटोरियल, रिगार्डिंग कुर्ती मेकअप ट्यूटोरियल, मतलब सारे ही जितने भी आउटफिट है मैंने उन सब के साथ क्रिएशन अलग अलग मेकअप लुक निकालने की कोशिश की है, तो अगर आपको पसंद आएगा तो आप चेक कर सकते हो। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो में मैं आपसे निविया फेस वॉश का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग है, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था पर्पल पे, देन आई वॉज स्टॉकिंग कि जब भी इसका प्राइस घट जाएगा, जब भी इसका प्राइस थोड़ा सा फॉल हो जाएगा, तब मैं इसको परचेज करूंगी। एंड यही चीज हुई, 145 रुपीज के अंदर मैंने इसको परचेज किया है। बाय द वे, इसमें बाय वन गेट वन फ्री मेरे को मिला था क्योंकि इसमें आपको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। इतनी छोटी क्वांटिटी है, ठीक है, इसकी एमआरपी 96 रुपीज है ओनली फॉर वन पैक। वन पैक की एमआरपी 96 रुपीज है तो वो कितना अर्न कर लेंगे इस पर, इसलिए उन्होंने 2 प्रोडक्ट ही रखा है। अगर आप बेसन फेस वॉश खरीद रहे हो तो आपको 2 प्रोडक्ट में बेसन फेस वॉश मिलेगा, वेराइटीज नहीं मिलेगी, एक ही मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे बेसन का है तो आपको बेसन का ही अलग वाला देंगे। सो ये ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए बहुत अच्छा फेस वॉश है, एक तो क्लीन कर देता है, रिमूव भी करता है आपके एक्सेस ऑयल को, जो शेबम प्रोडक्शन होती रहती है, समर्स में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंड मेरा टी जोन ऑयली है, यू कैन सी अभी भी जब मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज नहीं किया है, एसी भी चल रही, तब भी मेरे टी जोन से तेल निकलता है, सेबम निकलता है, गंदगी जमा हो जाती है। एंड मेकअप को क्लीन करने में हमें जरूर से फेस वॉश की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। सो ये बहुत अच्छा आपके पास एक ऑप्शन है, मैं इसको आपके सामने ही ओपन कर रही हूँ। ये पर्पल के बॉक्स में आई थी, मैंने इसको पहले ही अनबॉक्स कर दिया है। एंड गाइस, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग लगी मेरे को। जो सबसे अच्छा लगा इसमें वो इसकी जो क्वांटिटी है, मतलब छोटी बॉटल है, छोटी सी बॉटल है, आप इसको कहीं भी कैरी कर, इवन आप इसको पैकेट पॉकेट में भी और कोई अपना पर्स में भी कैरी करके कहीं ले जा सकते हो, बहुत इजीली आप इसको कैरी कर पाओगे। एंड चलो इसको ट्राई देके देखते हैं कैसी है। यू कैन सी यहाँ पर छोटे छोटे बेसन के छोटे छोटे फॉर्मूला है, मतलब पूरा ही बेसन नहीं यूज है, बाकी बेसन के छोटे छोटे माइल्ड पार्टिकल्स है जो कि आपको एक स्क्रबिंग का भी काम कर देगा, इवन आपकी डेड स्किन की लेयर को भी हटा देगा, आपके स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, इंस्टेंट ब्राइटन अप भी कर देगा एंड सेबम प्रोडक्शन को भी बहुत मिनिमाइज कर देगा। गाइज, बहुत ही अच्छी फेस वॉश, ये हर्बल फेस वॉश तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छे से आपके पोर्स को क्लीन कर देगी, आपके मेकअप को भी रिमूव कर देगी। मैं इसमें थोड़ा सा आपको इंग्रेडिएंट भी पढ़ दूं, इनके इंग्रेडिएंट्स हैं वाटर, ग्लिसरीन का यूज है, सोडियम लॉरेट सल्फेट का यूज है, इसमें माइक्रोसेटलिंग सेलुलोज का यूज है, सीड पाउडर, साइडर सीड पाउडर, लाइनॉल, लाइमोनेट, कुछ इस तरह के केमिकल बेस्ड ये
है, ठीक है। इसका जो यूसेज है, शेक वेल बिफोर यूज, अप्लाई जेंटल टू वेट फेस एंड नेक, राइज थ्रू विथ वार्म वाटर, स्किन कॉम्प्लीटली डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड अप्रूव, अवॉइड आई कॉन्टेक्ट। सो यूज करने के पहले, मैंने पहले ही बोला शेक कर लो थोड़ा सा। ये मिल्क बेस्ड भी है, आप इसमें देखोगे इसमें मिल्क का यूज है। मिल्क में कुछ कुछ केमिकल्स ऐड कर दिए गए हैं कि ज्यादा दिन तक ये प्रिजर्व करके रखा जा सके, वरना दूध खराब हो जाता है, मिल्क खराब हो जाता है। बहुत अच्छा लगा जब हम बचपन में दूध पीते थे, तो दूध की गुडनेस जो थी वो हमारे स्किन पे भी आती थी, हमारी स्किन ग्लोइंग लगती थी। सो ये चीज अब फेस वॉशेस में भी आ गई है, बहुत अच्छी लगी। निविया की बहुत सारी आपको रेंजेस मिल जाएगी, जिनमें आपको बेसन, सैफरन, टर्मरिक, हनी वाले फेस वॉशेस भी मिल जाएंगे। चार वेराइटीज आपको मिल जाएगा देखने को, हो सकता है दो तीन और हो, मैंने इतना ही देखा है तो मैं वो आपको बता रही हूँ। एंड इसकी एमआरपी ओनली 96 रुपीज है। आप जब इसको मार्केट प्राइस में लोगे, आई डोंट नो आपको कितना में पड़ेगा। योर ऑयली स्किन विल लव व्हाट्स इनसाइड, द गुडनेस ऑफ मिल्क प्रोटीन एंड बेसन, फ्री फ्रॉम सोप। सोप बेस्ड नहीं है, लेकिन फेस वॉश में केमिकल है, ठीक है। सो चलो अब मैं आपको इसको यूज करके भी दिखाती हूँ। इसका जो एक्सपायरी है 2024 में है, अभी चल रही है 2022। 2 साल का आपको इसमें सेल्फ लाइफ भी मिल जाता है, एंड बहुत छोटी सी क्वांटिटी मिलेगी, 50 ml है। 50 ml आप एक महीने में यूज कर लोगे, ठीक है। चलो मैं आपको यूज करके भी दिखा देती हूँ। ये बहुत ही अफोर्डेबल फेस वॉश है निविया की रेंजेस, जहां तक मेरे को पता है बहुत अच्छी होती है। हर प्रोडक्ट निविया की अच्छी होती है, एंड बहुत ही अफोर्डेबल रेंज की भी है। वरना कोई कोई ब्रांड क्या करती है, जैसे उनका सामान बिकने लगता है, वो ज्यादा अमाउंट में उनको सेल करने लगती है, जो कि मेरे को बहुत खराब लगती है। एंड चलो अब हम मेकअप को रिमूव करते हैं। मैं अभी आपको आपके सामने ही दिखाऊंगी कि किस तरह से अप्लाई करना है। आप थोड़ा सा अपने फेस को वेट कर लेना, लेकिन मैं अभी जस्ट जाऊंगी धोने, तो मैं ये अप्लाई कर ले रही हूँ, ठीक है। एंड मेरे को लैशेस उतारने पड़ेंगे, लैशेस के ऊपर मैं नहीं लगाऊंगी अभी। मैं थोड़ा सा इसको लगा कर छोड़ दो, ताकि आपके फेस के अंदर जाए, पोर्स को क्लीन करे, फिर 2 मिनट के बाद वॉश कर दे, मसाज कर लो अच्छे से। मैंने मेकअप भी नहीं उतारा है, ये मेकअप के रेसिड्यू को उतारती है कि नहीं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी अभी। चलो मैं अपने आई लैशेस भी उतार लूं, क्योंकि आई लैशेस महंगे हैं, 191 की एक आई लैशेस पड़ी है। चलो उसको उतार लेते हैं। इसको मैंने हुडा ब्यूटी का एक फेवी कॉल है, जिससे हम स्टिक करते हैं, उसी से चिपकाया था, एंड रियूजेबल है। सो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो, कर सकते हो। दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी 3D स्टूडियो, इसका नाम है 3D स्टूडियो करके कुछ, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल आई लैशेस है। आपके आई लैश वॉल्यूम के साथ मिक्सअप हो जाता है, क्रुएल्टी फ्री है, एंड इवन गाइज इसमें बहुत ही लॉन्ग क्वालिटी है, ठीक है। आप ट्रिम भी कर सकते हो, 30-60 सेकेंड्स के लिए बस आपको अपने आंखों पे लगाना होता है, उसके बाद ये खुद सूख जाती है जब आप फेविकॉल से इसको स्टिक कर दोगे, ठीक है। मैं इसको 2 मिनट पर इसी तरह से रहने दूंगी, ताकि मेरी मेकअप अंदर से क्लीन हो जाए, फिर मैं इसको अच्छे से पानी से वॉश कर दूंगी एंड पैड ड्राई कर लूंगी। फेस वॉश करने के बाद ज्यादा रब नहीं करना होता है, वो खुद ही आपकी फेस क्लीन हो जाएगी। गाइस मैं आती हूँ फेस वॉश करके, फिर मैं मिलती हूँ। सो गाइस मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया, एंड यू कैन सी बहुत अमेजिंग फेस वॉश थी ये। इसको लगाने के बाद मेकअप एक बार में ही उतर गई, मेरे को ज्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ा। मैंने बोला 2 मिनट आप छोड़ दोगे उसको लगा के, तो इंस्टेंटली फेस क्लीन हो जाएगा। थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर से धोया है, ताकि मेकअप है ना, तो वो अगर आप ठंडा पानी डालोगे तो और सेट हो जाएगा, वो उतरेगा नहीं। बहुत ही फ्रेश फील हुआ, बेसन की भी खुशबू अच्छी आ रही थी, छोटे छोटे माइल्ड पार्टिकल्स थे, जो कि मेरे को काफी अच्छा लगा। इनकी रेंजेस बहुत सारी है, आप ट्राई दे सकते हो। चलो आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड चैनल पर रेगुलर विजिट करते रहना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। बाय।